ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से WWE को हुआ बहुत बड़ा फायदा, साथ ही साथ क्या कर्ट एंगल रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच के अंदर गंद डालने आएंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, सबसे पहले बात कर ली जाए ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कैसे WWE के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तो गाइस, ब्रॉक लेसनर पिछली रॉ के अंदर वापस आए, जिसके चलते रॉ को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉक लेसनर का जो प्रोमो था दोस्तों, जो कि उन्होंने पॉल हेमन और कर्ट एंगल के खिलाफ काटा, जिसके अंदर उन्होंने कर्ट एंगल को पहले F5 लगाया, उसके बाद अपने ही दोस्त अपने ही एडवोकेट पॉल हेमन का गला भी दबाया। तो दोस्तों, उस प्रोमो को एक बड़ी व्यूअरशिप मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहां 8.6 मिलियन की व्यूअरशिप इस पूरे के पूरे सेगमेंट को मिली है, जो कि काफी बड़ा सक्सेस मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कर्ट एंगल के इंटरफेरेंस की। तो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं, बिग डॉग रोमन रेंस वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर मैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर। अब उसके अंदर कर्ट एंगल कैसे गंद पा सकते हैं, ये आप सभी जानना चाहते होंगे। तो गाइज, आपको मैं बता दूं, कर्ट एंगल ने आज फेसबुक के ऊपर एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने कई कॉन्ट्रोवर्शियल बातों का जवाब दिया। पहली तो ये थी कि ब्रॉक लेसनर ने जो आप पर अटैक किया, आप उसे कैसे देखते हैं। तो इस पर कर्ट एंगल का जवाब ये था कि मैं एक दयालु व्यक्ति हूं और मैं हमेशा लोगों को माफ कर देता हूं, लेकिन जब समय आता है तो मैं उनसे बदला भी लेता हूं। यहां ब्रॉक लेसनर को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा और शायद उन्हें सस्पेंड भी कर सकता हूं समर स्लैम के बाद, जब वो हार जाएंगे रोमन रेंस से। यहां दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि उनके अनुसार यहां रोमन रेंस ही जीतेंगे और उनकी मनी यानी कि उनका दाव रोमन रेंस के ऊपर है। तो दोस्तों, यहां उन्होंने एक तरीके से प्रेडिक्ट किया कि कौन इस मैच को जीतेगा, साथ ही साथ उन्होंने संकेत भी दिए कि वो ब्रॉक लेसनर से बदला लेंगे। तो गाइज, इससे पहले एक और न्यूज आई थी कि यहां कर्ट एंगल स्क्रू कर सकते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को। अब गाइज, ये कैसे हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस चौथी बार होने जा रहा है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी यह है कि इस मैच की एंडिंग कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से हो सकती है। तो गाइज, अगर वहां ये मैच खत्म हो जाता है और उसके अंदर ब्रॉक लेसनर गंद पा के जीत भी जाते हैं, तो वहां कर्ट एंगल आकर फिर से इस मैच को रिस्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ इंटरफेरेंस भी वहां क्रिएट कर सकते हैं, जिसके चलते वहां ब्रॉक लेसनर हार जाए। तो गाइज, यहां बहुत बड़ा रूमर ये माना जा रहा है कि यहां कर्ट एंगल मैच के अंदर कुछ ना कुछ किरदार निभाएंगे, वरना उन्हें इस बारी की रॉ में F5 ना पड़ता। तो गाइज, आपको ये आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले, और क्या रोमन को वाकई में कर्ट एंगल की जरूरत है, ये भी आप बता सकते हैं। वेल, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।